जय यीशु भाइयों और बहनों और हमारे ऊर्जावान युवकों और सबसे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जो इस रात की प्रार्थना के लिए जागने में कामयाब रहे हैं, हम आप सबों का स्वागत करते हैं। ये MFC इंडिया का पहला ऑनलाइन राष्ट्रीय पेंटेकोस्टल रात्रि जागरण है। हम बहुत उत्साहित हैं, आशा करते हैं कि आप भी हो। मेरा नाम है केल्विन और ये मेरी धर्म पत्नी अमूल्या और पिछले 2 साल से हम विवाहित जीवन जी रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी इस विशेष रात के समय गिरजा में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इस माध्यम के द्वारा एक साथ आने और उसकी आत्मा को प्राप्त करने का मौका दिया है। 2000 साल पहले यीशु ने पवित्र आत्मा को चिंतित और उत्सुक ईसाई धर्म का धर्मदूतों के साथ रहने के लिए भेजा था। आज हम सभी स्वाभाविक रूप से इस बात से चिंतित हैं कि दुनिया कल कैसे होगी। ईश्वर ने हमें उसकी पवित्र आत्मा की बौछार उम्मीद दी है। हम पहले से अटारी में इकट्ठे हुए हैं। अब हमें केवल प्रार्थना करना है और अपने मन को खुला रखना है। अब क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, तो बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। इस रात्रि जागरण के समय हम प्रोत्साहित करते हैं आप सबों को इस पूरी प्रार्थना के समय जहाँ पर भी हो, आप पवित्र आत्मा से प्रेरित अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं, घुटने टिका सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या बैठ भी सकते हैं। याद रहे, ये समय सिर्फ आप और आपकी आत्मा, सिर्फ पवित्र आत्मा पे केंद्रित और प्रेरित हो। और अब शुरू करने के लिए हम स्वागत करते हैं बागडोगरा के बिशप स्वामी विंसेंटाइन। इस पेंटेकोस्टल रात्रि जागरण के समय एक संदेश हमारे साथ बांटे। सबों को मेरा हार्दिक जय यीशु। भारत देश के ख्रिस्तीय मिशनरी परिवारों के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, COVID-19 के कारण बनी इस तालाबंदी अथवा लॉकडाउन के कारण अन्य वर्षों की तरह एक जगह एकत्र होने में असुविधाएं हैं। इस COVID-19 ने हम लोगों को आपस में सोशल डिस्टेंस, ये दूरी बनाए रखने की दशा पे ला दिया है। इसके बावजूद आप लोग अन्य वर्षों की तरह पेंटेकोस्ट महोत्सव की तैयारी में ये जागरण धर्म विधि पालन करेंगे ही, यह जानकर मुझको बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं खुशी खुशी आप सभी का आज के इस जागरण विधि में हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ की सच्चाई तो यह है कि इस COVID-19 ने हमारे बीच सामाजिक दूरी पैदा कर दी है, लेकिन दूसरी ओर हम परिवारों को एकत्रित रहने और आपसी संबंध को मजबूती से अनुभव करने और आपसी एकता का तगड़े रूप में अनुभव करने का सुनहरा मौका भी दिया है। इस लॉकडाउन ने कई प्रकार की मुसीबतों को हमारे सामने ला खड़ा कर दिया है, जैसे आर्थिक मंदी, लाखों की संख्या में मजदूरों का विस्थापन, प्रवासी मजदूरों का विस्थापन एवं पलायन, उनकी मजबूरी और मर्यादा विहीन जिंदगी इत्यादि हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में एक बहुत बड़ा कलंक ले आया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी
कई सवाल हो रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के उपाय को लेकर के भी बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही कठिन समय है। ऐसे दौर में पवित्र आत्मा के पास न केवल हम उनके साथ वरदानों के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श एवं दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान और श्रद्धापूर्ण भय का दान के लिए, अपितु आज की परिस्थिति में हम परिवार वाले एवं व्यक्तिगत रूप से भी क्या योगदान, खास योगदान हम दे सकते हैं? आज की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी प्रेरणा, ऐसा साहस और संवेदना हम पा सकें, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। अतः आइए हम पूरी उत्सुकता से और खुले मन और हृदय से इस जागरण समारोह में भाग लें। पहले पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने चेलों पर उतरकर सर्वप्रथम उन्हें विभूषित किया, उन्हें बल दिया, उन्हें साहस दिया, उनके मन दिल में नई चेतना और नई प्रेरणा दे दी और उनके माध्यम से एक नए समाज का, एक परिवर्तित समाज का और मानवीय गुणों से संपन्न समाज का गठन किया, उसकी शुरुआत की। आज भी हमसे शुरू करते हुए और हमारे माध्यम से नए समाज का गठन हो, एक नई शुरुआत हो, फिर से इंसानियत हमारे समाज में आ सके, हमारे दैनिक जीवन में हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रह सकें, भाईचारे का बर्ताव कर सकें और सबको एक साथ लेते हुए हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। ऐसी प्रेरणा, ऐसा ज्ञान, ऐसे उपाय हम लोगों को पवित्र आत्मा दे दे, इसके लिए आइए हम सरगर्मी से प्रार्थना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी का आज के इस समारोह में, जागरण समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बिशप स्वामी जी, आपको धन्यवाद आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों को और आपके आशीर्वाद के लिए। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे और आपके सभी मिशनरी कार्यों में आपका नेतृत्व करे। आज रात हमें स्तुति आराधना संचालन करने के लिए हमारे साथ है पटना से हमारे प्यारे भैया विजेंद्र। आइए अब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले हम उसकी स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें। अब हम सब गीत के माध्यम से आत्मा की स्तुति में जुट जाए और उसे स्तुति के सिंहासन पर बिठाइए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की परिस्थिति में, आज के समय में हम देखते हैं कि चारों तरफ एक भयंकर महामारी के कारण लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और इस परिस्थिति में लोग अपने घरों में रहकर भी अपना जीवन निराश में, उदास में एवं चिंता में बिता रहे हैं। आज हम सबों को प्रभु की वह वाणी को याद
करना चाहिए। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 14 में कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मेरे प्रियो, हम सबों को प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगने की जरूरत है। और वह मांग किस चीज का? क्या धन का? क्या नौकरी का? क्या बीमारी से छुटकारे का? या संसार की संपत्ति का? नहीं, आज प्रभु यीशु क्रिस्त से एक ही चीज मांगने की जरूरत है, वह है प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वरदान, पवित्र आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हम सबों के लिए एक सहायक आत्मा तथा पवित्र आत्मा देने का वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। हम सबों को वो पवित्र आत्मा प्राप्त करने की जरूरत है। इस परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में, इस चिंता के समय में हम सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति से भरने की जरूरत है। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 में प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु हमारे साथ है। वे अपने वचन के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों को वादा किए हैं पवित्र आत्मा देने के लिए। आज हमारी कलीसिया निराश है, आज हमारा परिवार उदास है, चिंता में है, डर में है। इस परिस्थिति में हम सब उससे प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा की मांग करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारे परिवार में आए और हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाएं, हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, हमारा जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपाओं से भर जाए। आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े भक्ति के साथ प्रभु के साथ एक होंगे, भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रभु की स्तुति के द्वारा, प्रभु की प्रशंसा के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा, प्रभु की आराधना के द्वारा। आइए हम सब बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ प्रभु की स्तुति, महिमा एवं आराधना करेंगे। Yeah.
संसार ओ रसाओं का राजा प्रभु हाँ प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य प्रभु है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जो आशा है उसे आशा में बदल दे प्रभु हमारे जीवन में जो दुख है प्रभु जी उसको निकाल दे प्रभु हमारे जीवन में जो कष्ट है उसे निकाल दे हरेक परिवारों को तू अपनी आशीष दे अपनी कृपा दे अपने वरदान से हालेलुया हालेलुया कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु तेरे तूने प्राण मांगे रे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु तेरे तूने प्राण मांगे रे प्रभु तूने दिया एक जीवन नया तूने दिया एक जीवन नया लाखों पर धन्यवाद प्रभु यीशु कहते हैं
मैं दाग लेता हूं और तुम सभी डालियां हो। प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, भला गरेड़िया मैं हूं। प्रभु कहते हैं, मुझ में विश्वास करो, प्रभु में विश्वास करो। इन सभी वचनों को जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समूह के लिए दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को इतने दिनों तक हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को अपने पवित्र आत्मा की छाया में सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को विश्वास में चलने के लिए भिन्न भिन्न प्रदान दिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस संकट की घड़ी में भी, इस दुख की घड़ी में भी आप हम सबों को अपने आशीष से, अपनी कृपा से, अपने प्रदान से भर रहे हैं, ताकि हम सभी आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे CFC समुदाय के लिए, जिनको तूने चुना ताकि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए मदद कर सके। आज CFC के द्वारा कई रूपों में हमारी आध्यात्मिकता, हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी हाँ पिता, आप धन्य हैं। प्रभु जी, तूने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम सभी मानव जाति हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे दुर्बलताएं हैं। प्रभु, इस कमजोरियों और दुर्बलताओं में रहकर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम सबों को जैसे प्रेरितों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आज हम भी आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम सभी जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने भी प्रभु इस मोबाइल चैनल के माध्यम से तेरे वचनों को, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों को प्रभु आप विश्वास में बढ़ाइए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। जी हाँ पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे संत बाबा के लिए, हमारे कार्डिनल्स के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, प्रभु आप उन सबों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि कलीसिया को विश्वास में आगे बढ़ाते जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, इस भयावह बीमारी से ग्रसित दुनिया के हर एक लोगों के लिए, प्रभु आप चंगाई दाता प्रभु हैं, अपने जमाने में बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभु जी आपने चंगा किया है, आज आपकी मदद की जरूरत है प्रभु, पूरे विश्व को, तो फिर तो पूरे विश्व का दाता है, पूरे विश्व का मुक्ति दाता है, तो फिर विश्व के चंगाई दाता है। प्रभु, इस भयानक बीमारी से ग्रसित अरे लोगों को आप चंगा कर दे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जी हाँ पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे एमएफसी के सभी अगुओं के लिए जो दिन रात हमारे समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। प्रभु आप हमारे सभी अगुओं को सद्बुद्धि प्रदान कर अपने ज्ञान और विवेक से भर दे ताकि दिन प्रतिदिन हमारे इस समुदाय को आध्यात्मिकता के राह पर ले चल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे मनों में, हमारे दिलों में बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारे निवेदन हैं जो हम प्रकट नहीं कर पाए हैं। प्रभु तो हृदय को जानने वाला हमारे सभी निवेदनों को, हमारे सभी आवश्यकताओं को तो पूरा कर। हे प्रभु यीशु, आपने जो प्रार्थनाएं हम सबों को करने के लिए सिखाया है, वही प्रार्थना हम सभी एक साथ दोहराते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम हो, तेरा आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्तुति पति पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल परंतु क्राइस्ट रक्षा में। प्रणाम मरियम, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, नित्या करण का सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में किया करण का सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में किया करण का सदा रहेगी आमीन। पुरस्कार जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। स्तुति आराधना में हम सबों को इतनी अच्छी तरह से संचालन करने के लिए विजेंद्र भैया आपको धन्यवाद। और अब पवित्र आत्मा के बारे में और उनके उपहारण के बारे में बांटने के लिए हमारे साथ है सीबी भैया गुजरात से। जय यीशु, जय क्रिस्त। भाइयों बहनों, आजकल हम कठिनाइयों के दिनों से गुजर रहा है कोरोना की वजह से। हम सभी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें हमारी आज़ादियों को छोड़ के हमारे फ्रीडम सब हमसे छीन लिया है, हमें घरों में बंद करके रहना पड़ता है। तो ये सब छोड़ के हमें घर के भीतर आराम से बैठना पड़ता है और हमें मालूम नहीं है कब तक चले जाएगा, कब तक ये हमारे बीच में रहेगा। लेकिन एक चीज हम याद रखें, प्रभु ने हमें योहान के सुसमाचार 16वीं अध्याय लास्ट सेंटेंस में ये कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा परंतु ठारस रखो, मैंने संसार के ऊपर विजय पाई है। प्रभु ने दुनिया के ऊपर विजय पाया है और वही विजय हमारा भी हो सकता है। कैसे? अगर हम उनके साथ जुड़े रहे तो। ये नाम मात्र क्रिस्ती बन के जीने से ये नहीं होगा, क्योंकि ये वही प्रभु है जिन्होंने योहान 7:38 में कहा था, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं हूं और उनको क्लेशों को सहना, उसे उसके पार करना, क्लेशों के समय में भी खुशी से जीना,
उनके लिए उपलब्ध है। ही कैन डू इट। यही प्रभु हमें आज पेंटेकोस्ता का एनिवर्सरी जो हम कल मानने वाला है उसका ठीक पहला ही दिन में हमें इधर इकट्ठा किया है हम सबों को ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड, और हमें यह कहता है कि मेरे साथ जुड़े रहो। तो हम कहेंगे इन सबों के लिए हमारे पास सामर्थ्य किधर है? हाउ कैन वी डू ऑल दीज थिंग्स, वी आर नॉर्मल क्रिश्चियंस। उसका आंसर है प्रेरितों का चरित्र पहला अध्याय 38वीं कड़ी, जिसमें प्रभु ने कहा है किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सभी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम जोड़ तक मेरा साक्षी होंगे। पृथ्वी के अंतिम जोड़ तक, लेकिन शुरुआत अपने अपने घरों से लेके अपने अपने पारिश में, जहां जहां हम काम करते हैं वहां, जहां हम खेत में काम करते हैं वहां, जहां जहां हम जाते हैं वो सभी जगहों में हम ईश्वर का साक्षी बनके जिएगा, उसके लिए तैयार होगा, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। इसका मतलब है देयर इज अ पर्पस, एक उद्देश्य, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने का एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य है प्रभु यीशु का साक्षी बनके दुनिया में जीना। तो इसका मतलब है भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो हमारे पेंतकुस्ता से साथ जुड़ा हुआ है, और एवरीबॉडी इज एक्साइटेड कि कल हमारे ऊपर फिर से आत्मा शक्तिशाली रूप से आएगा, और कई लोग डाउटिंग करते हैं ये होगा कि नहीं, और सभी कई कई लोग सोचते हैं कि ये खाली वही लोगों के लिए मिलेगा जो बहुत पवित्र है, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, प्रीचर लोग हैं, बहुत एनलाइटेंड पीपल है। नो, ये कोई जादुई झड़ी नहीं, ये पवित्र आत्मा सबों के लिए उपलब्ध है। एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस इट, सबों को ये महसूस हो सकता है अगर उसका पर्पस, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने का पर्पस हम समझे तो। हमें पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा अगर हम उनका साक्षी बन के जीने का हम निर्णय लेते हैं और उसके लिए तैयार बन के रहते हैं। आजकल आपने पोप फ्रांसिस को देखा होगा टीवी में मिसाएं देते हुए, एक प्रवचन में उन्होंने ये कहा था साक्षी बन के जीने का हर एक क्रिश्चियन का जीवन है। कोई 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 भी क्रिश्चियन को इससे छूट नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन। मतलब ये क्रिश्चियन होके जीना और प्रभु के बारे में साक्षी नहीं देना, ये एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वी आर नॉट रियल क्रिश्चियन, सही क्रिश्चियन नहीं है हम अगर हम उनके लिए, प्रभु के लिए साक्षी बन के जी नहीं सकता है। तो भाइयों बहनों, हम देखें कि प्रभु हमें क्या कहा है योहान 14 में, जब पवित्र आत्मा के बारे में कहा था, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो ऐसा है 14वीं अध्याय 16वीं और 17वीं वचन, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक नया सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक चंद पल के लिए नहीं, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और 17वीं वचन, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह
उसे न तो देखता है और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारा साथ रहता है और तुम में निवास करता है। तुम्हारा साथ रहता है और तुम में निवास करता है। द होली स्पिरिट लिव्स विद इन अस। कल जो पेंटेकोस्ता का एनिवर्सरी हम मनाने वाला है, उस टाइम पे इट इज ए रीअवेकनिंग। फिर से हमें दोबारा एक दूसरे शक्तिशाली रूप से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने वाला है। तो भाइयों बहनों, मिशनरी फैमिलीज ऑफ क्राइस्ट जिनका मेंबर हम सब है, हमें ये ठीक से समझना है कि ये पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर संचालन होना हम सबों के लिए उपलब्ध है। हम सभी तैयार करके रहें, तैयार होते रहें उनका, प्रभु यीशु का साक्षी बन के जीने के लिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं न्यू इवांजलाइजेशन, नई प्रेरिताई। नई प्रेरिताई इसका मतलब है हम जाते हैं वही क्रिस्तियों के पीछे जो बपतिस्मा लिया है, और पवित्र आत्मा जो उनमें पवित्र बपतिस्मा के समय उतर आया और दूसरे कई सारे संस्कारों में उनके ऊपर उतर आया, वो सबों को भूल गया है। ये एक बिना शक्ति वाला जीवन जी रहा है, जो संतुष्ट है अपने प्रार्थनाओं से और चर्च में जाने से, इससे ऊपर इससे आगे वो कुछ नहीं देख सकता है। तो उन क्रिस्तियों को हमें वापस लाना है, अपना शक्तिशाली जीवन जीने के लिए उसको सामर्थ्य देना है, उसको रास्ता बनाना है, बना के दिखाना है उसको अपनी साक्षी से, बाय आवर विटनेसिंग। क्या हम उनको बता सकते हैं कि भाई कि बहन ये हमारे साथ हुआ है, ये आपको भी उपलब्ध है, प्लीज कम एंड एक्सपीरियंस इट, आके अनुभव करो। यही है हमारा MFC में हमारी मिशन, हमारे ध्येय, ब्रिंगिंग बैक द लैप्स्ड क्रिश्चियंस, जो असली क्रिस्ती बनने का अर्थ भूल गया है उनको ईश्वर के मार्ग में वापस लाना है। जो अंधेरों में वो रहता है उनको उसमें से निकाल के रोशनी की तरफ लाना है, ताकि वो ईश्वर के साथ जुड़े रहने का, पवित्र आत्मा की शक्ति से जीने का अर्थ समझे, उसका आनंद वो भी ले सके। तो भाइयों बहनों, ये प्रेरिताई, नया प्रेरिताई हम क्यों करूं? क्योंकि हमें ईश्वर को अनुसरण करना है, ओबीडियंस टू जीसस। प्रभु ने हमें कहा है यू हैव टू डू इट। दुनिया के संसार के अंतिम छोर तक तुम जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो ये हमारी अनुसरण करने का जरूरत है, ईश्वर को, ईश्वर के पीछे हो लेने का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो यह है कि जो दुनिया में हम अभी रह रहा है, ये दुनिया की परिस्थिति ऐसा है, मॉडर्न वर्ल्ड की परिस्थिति ऐसा है कि सभी जगहों से हमारे ऊपर प्रेशर है, ये सब छोड़ो, इसमें कोई मतलब नहीं, इसका क्या जरूरत है। नया प्रेरिताई या इवांजलाइजेशन तुम जो कह रहा है, ये तो प्रीस्टों का काम है, सिस्टर्स का काम है। व्हाई यू हैव टू डू इट? वी हैव टू डू इट बिकॉज हमें ये करने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने हमें आदेश दिया है, उनका ऑर्डर है कि हमें ये करना ही है। इसमें से हमें कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर हम उनकी अनुयायी बनके जीना है और उनका पावर, पवित्र आत्मा का शक्ति हमें अनुभव करना है, तो हमें मालूम है
प्रेरितों का चरित्र पांचवी अध्याय 29वीं वचन में यहूदियों की महासभा में जब पीतर और उनका साथियों को लाया खड़ा किया था तो पीतर ने एक बहुत अच्छा चीज उधर बताया उनको, वो यह है कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कहीं अधिक उचित है। सो वी डोंट केयर कि तुम क्या कहते हो हमें, तुम क्या आदेश देते हो, वी डोंट बॉदर। हम इसी के ऊपर ही हमारी नजर रखते हैं कि ईश्वर हमें क्या कहा है वही हम करते रहेगा। सो यही डिसीजन हमें लेना है, यही निर्णय हमें लेना है आज। मिशनरी फैमिलीज ऑफ क्राइस्ट हैव टू डिसाइड टुडे कि अगर हम दुनिया का प्रभाव छोड़कर प्रभु के साक्षी बनकर उनका काम करने के लिए तैयार हो जाते हो तो फिर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहकर हमसे सभी काम करवाएगा, धीरे धीरे करवाएगा और आगे आगे जब बढ़ेगा बहुत सारे चिन्हों और चमत्कारों के साथ हमसे करवाएगा, हमें वरदानों और भलों से हमें भरेगा और एक शक्तिशाली जीवन जीने का सौभाग्य ईश्वर हमें देगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। इसी के लिए हमें जीना है, यही है हमारा ध्येय, हमारा MFC में हमारा जीवन का उद्देश्य। नाउ एक प्रॉब्लम इधर है भाइयों बहनों, वो यह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ईश्वर का काम करने वाला संस्था हो उसमें जब भले उत्पन्न होने लगते हैं तो शैतान घुस जाता है, हमारे में दरारें उत्पन्न कर देते हैं, डिविशंस कम इन आवर लाइफ, और हमें एक दूसरे के साथ हमारे जो डिफरेंसेस है वो सॉल्व करने में ज्यादा समय हमारा चला जाता है और हमारे मन में अशांति फैल जाता है और हमें जो शक्ति से आत्मा काम करना चाहिए वो हमसे दूर हो जाता है। इससे हमें सतर्क रहना है क्योंकि प्रभु हमें कहा है तुम लोग एक शरीर हो, 1 Corinthians 12:12-13 इसमें कहते हैं तुम एक शरीर का विविध अंग हो, यू आर द डिफरेंट organs ऑफ द वन बॉडी। और आपको याद है जब साउल को प्रभु ने दमास्कस के रास्ते में उसको मार गिराया था, प्रेरितों का चरित्र 9:4, तो प्रभु ने क्या उनसे पूछा, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो, तुम मुझ पर, मतलब जो क्रिस्तियों को वो परेशान कर रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, वो प्रभु यीशु को अपने शरीर में अनुभव होने लगा। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे भाइयों बहनों, टू बी सो हैप्पी अबाउट कि हम ईश्वर का, प्रभु यीशु का शरीर का अंग है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एटलीस्ट ये हमें प्रेरणा देना चाहिए कि हमारा डिविशंस हमें भूल के हमें एक होके जीना चाहिए कि गॉड इज लुकिंग एट अस, हमारे तरफ देख रहा है हम कैसे जीवन जी रहा है। हम में से कई सारे लोग 20 साल 25 साल कोई 30 साल से हमारी एक ये मिशन में जुड़े हुए हैं, काम कर रहा है, फिर भी जो हम स्पिरिचुअल जायंट्स मानते हैं वही लोग भी अपने एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दूसरा कुछ बातों के लिए नहीं, सिंपल चीज है कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, वही हिसाब से चलना चाहिए हमारा संस्था, दूसरा कोई सिस्टम हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स वी हैव टू फॉरगेट, डिविशंस हमें वीकन करेगा, दरारे हमें वीकन करेगा, इससे हमें बच के रहना है। सोचिए प्रभु हमें अपना शरीर का अंग समझते हैं और हम एक
दूसरे के साथ लड़ते हैं, मतलब एक हाथ पैर को मारते हैं, पैर दूसरे पैर को मारते हैं, ये हो सकता है? इस दिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें निर्णय लेना है, ये सभी डिविशंस और एक दूसरे के प्रति हमारे जो कंप्लेंट्स है सभी भूल जाना है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं नए प्रेरिताई में, न्यू इवेंजलाइजेशन में हमें स्ट्रेंथ, नया स्ट्रेंथ लाके देना चाहते हैं, और वो नया स्ट्रेंथ हम में आएगा जब हम पवित्र हो, हम में ये डिविशंस का विचार नहीं हो, और हम हमारी पूर्ण शरीर और हमारे मन हम स्वच्छ रखें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यही है। तो कल के लिए हम इंतजार कर रहा है, वो नया कल हमें शक्ति देगा जरूर। मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूं, वो यह है योहान 15:16 कड़ी से आगे, खाली आपको याद देने के लिए कि ये काम हम कर रहा है अपनी इच्छा से नहीं, स्वेच्छा से नहीं, प्रभु ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है, ये उनका योजना है। हम इतने सालों ये काम में ईश्वर के साथ जुड़े हैं, तो हम आके देखें क्या प्रभु कहा है। 15वीं अध्याय ऑफ योहान 16वीं कड़ी से आगे, तुम्हें मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगो, वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये सब कुछ उसमें शामिल है, एक दूसरे से प्यार करना है हम ईश्वर का काम करना है। तो अगर हम वही जीवन जीते हो तो जो भी हम ईश्वर से, प्रभु से मांगेगा, हमारे पिता से मांगेगा ईश्वर के प्रभु के नाम में, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन याद रखो कि इट इज नॉट योर चॉइस, आपने नहीं चुना है, हम लोगों ने नहीं चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया और हमें नियुक्त किया कि हम जाएं और उनके लिए फल उत्पन्न करें। तो भाइयों बहनों, मुझे इतना ही आपसे कहना है कि जो हम कल का इंतजार कर रहा है, पेंटेकोस्ता, एनिवर्सरी ऑफ द पेंटेकोस्ट, लेट अस डिसाइड कि हम असली अर्थ समझे, इसका मीनिंग क्या है। ये हम सबों को उपलब्ध है, एवरी वन ऑफ अस, ओनली थिंग इज हमें निर्णय लेना कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए ईश्वर का साक्षी बन के जीने के लिए, और उसका हिंड्रेंस, उसका अड़चन, जो हिंदी में, गुजराती में कहते हैं हिंदी वाक्य, उसका ऑब्स्टेकल वही है कि हमारा डिविशंस। हम एक समूह है, एक फैमिली है हम, और ईश्वर एक फैमिली की तरफ हमारे ऊपर देख रहा है। फैमिली एक दूसरे से लड़ते रहेगा तो हाउ विल वी बी इफेक्टिव, हमारे इफेक्टिवनेस कहाँ आएगा। सो दिस इज द डे भाइयों बहनों कि हम यही सभी निर्णय ले लें कि हम तैयार बन के रहें, प्रभु से माफी मांगे, एक दूसरे से माफी मांगे जिनको हमने दर्द दिया है, और तैयार होके बैठे कल के लिए कि पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से हमारे ऊपर आए। जय यीशु, जय क्रिस्ता, हालेलुया। थैंक यू। ईश्वर को धन्यवाद, और धन्यवाद सीबी भैया हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पर भरोसा करने के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आइए अब हम अपनी माता मरियम को प्यार से पुकारते हैं और हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का देन अपनाने को तैयार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज रात हमारे पास पवित्र माला बिंदी चलाने के लिए देश भर से, कई जिले से इकट्ठा हुए हैं।
हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारी माता मरियम की अनंत प्रार्थना और आशीर्वाद की तलाश में एक परिवार के रूप में शामिल हो। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, मानव मरियम से जन्मे, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगे, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पत्र का जिक्र धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देव के पुनरुत्थान पर विश्वास करती हूँ आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु भय से बचा आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आनंद का पहला भेद, गब्रेल दूत कुमारी मरियम को यीशु का जन्म का संदेश सुनाते हैं, मतलब कि गैर ख्रिस्तीय लोग सच्चा धर्म स्वीकार करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री योग में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री योग में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे, अब है, अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, नरक के आग से हमें बचा और सब आत्माओं को स्वर्ग ले जा, विशेष करके उनको जो अत्यंत लाचार में है। अनंत का दूसरा भेद, मरियम एलिसबेथ से मिलने जाती है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसी ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हाल आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, संतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे, अब है, अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष सहजने दे दिया की अति आवश्यकता है। आनंद के तीसरा भेद, प्रभु यीशु गौशाले में जन्म लेते हैं।
पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया की पापुन बहुत साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा की बढ़ाई हुए जैसे आदि में थी अब और सब सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु हमारे परमेश्वर मां का रक्षा करना चाहता हूं, सभी आत्माओं को स्वर्ग ले जा। आनंद का चौथा वेद यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पुत्र क्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब आने मरने के साया में। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब आने मरने के साया में। प्रणाम मरियम के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब आने मरने के साया में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गए। जैसे आदि दिया बनाना करता गया में। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों की क्षमा देने लग के आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग मिलेगा, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की बड़ी आवश्यकता है। आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु का मंदिर में पाया जाना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु राई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमा मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे भले यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नर्क की आग से हमें बचा, और सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता,
कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासित के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुवारी मरिया। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिनके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुसरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत पिता के मनोरथ के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाती है आनंद का राग। मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, प्रीत से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। वाह, कैसा अद्भुत अनुभव था पवित्र माला एक राष्ट्रीय परिवार के रूप में प्रार्थना करने का। आप सभी को धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। हमें यकीन है कि माँ मरियम लगातार हमारे सभी इरादों के लिए प्रार्थना कर रही है। अब हम रात के बहुत महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपके अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ बुलाने का अनुरोध करते हैं। हम शीघ्र ही स्तुति आराधना के समय में प्रवेश करेंगे। अब तक हमने पवित्र आत्मा का स्वागत किया, उसके बारे में सुना और परमेश्वर के वचन से प्रेरणा प्राप्त की। हमने अपनी प्रिय माँ से उसकी हिमायत के लिए प्रार्थना की। स्वर्ग हमारे प्रार्थना से भर गया है। अब हमारी बारी है आत्मा से प्रार्थना करने की, कि वे आए और हमारे शरीर, हमारे दिल, हमारी आत्मा को भर दे। कुछ साल पहले जब मैंने पवित्र आत्मा की अनोखी भाषा का वरदान के लिए प्रार्थना किया था, मैंने उस समय उसको प्राप्त किया। मैं उत्साहित हूँ और आज इस समय हमें प्रार्थना में हमारे नेतृत्व करने के लिए हमारा प्यारा भाई दिल्ली से लीजो और बहन जीना उनको अनुरोध करते हैं। धन्यवाद केल्विन। भाई और बहनों, आज हम इस महान पेंतेकोस्त पर्व को मनाने के लिए अपने घरों में एकत्रित हुए हैं अपने परिवार के साथ। आइए
आज हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा को मांगे। एक प्यासे हिरन समान हम प्रभु के प्रांगण में आए और प्रभु से उसकी पवित्र आत्मा के आशीष और वरदानों के लिए प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। संत यूहन्ना के सुसमाचार 7:37 वचन से लिखा है, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। जी हाँ भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा जिसके बारे में वचन हमें बताता है, यह उनको प्राप्त होगा जो प्रभु में विश्वास करते हैं। आइए आज हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए, अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर आइए हम अपने लिए और पूरे संसार के लिए अपने प्रभु ईश्वर से इस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की आराधना करें और पवित्र आत्मा के लिए आज मिलकर प्रार्थना करें। मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा जीवित तो मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्ति दाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल। जीवन जल तू आ जा, दे दे तू अपना वरदान, तीर जैसे साथी मिलेगा हमको कहां। जीवन जल तू आ जा, दे दे तू अपना वरदान, तेरे जैसे साथी मिलेगा हमको कहां। तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्ति दाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल। आइए फिर से गाएं। ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल। आई एम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल। थैंक यू हालेलुया हालेलुया यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो प्रभु। हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू मेरा मुक्तिदाता यीशु है, तू मेरा शांतिदाता प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया, तू राजाओं का राजा है। हालेलुया 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 पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं, पावन आशीष दो भगवन विनती करते हैं। पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं, पावन आशीष दो भगवन वि
ना छोड़ेगा। प्रेम की मूरत है वो, तो मुझको ही प्रभु वर, पावन आत्मा का वर, अनाथ ना छोड़ेगा। प्रेम की मूरत है वो, तो मुझको ही प्रभु वर, पावन आत्मा का वर, पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं। पावन आशीष दो भगवन विनती करते हैं। परमेश्वर का तेज यहाँ चमक उठो, तेजस्वी बनो, तन मन को शांति दो, पावन आत्मा को बरसाओ। परमेश्वर का तेज यहाँ चमक उठो, तेजस्वी बनो, पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं। पावन आशीष दो भगवन विनती करते हैं। पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं। पावन आशीष दो भगवन विनती करते हैं। प्रभु मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारे दिल में बस जा प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, हमें अपने पवित्र आत्मा की आशीषों से, वरदानों से भर दे। हालेलुया हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने अपनी आवाज को उठाकर विश्वास के साथ प्रभु की प्रशंसा और आराधना करें। थैंक यू यीशु, हालेलुया। अपनी विभिन्न भाषाओं में हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरे जीवन का प्रभु है, तू ही मेरे जीवन का सहारा है, तू ही मेरे जीवन का रक्षक है प्रभु। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 शांतिया रबारिया, धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु ईश्वर, जैसे कि तूने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हे मेरे यीशु, हम तुझसे उसी सहायक के लिए विनती करते हैं, हमें वे सहायक प्रदान करना। मुझे और मेरे परिवार को अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, और मेरे परिवार में भर जाओ, मेरे परिवार में बस जाओ, मेरे दिल में बस जाओ। भाइयों बहनों, अब हम एक एक कर अपने परिवार के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मैं अपने सारे भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे खड़े होकर अपनी पत्नी के सर पे दोनों हाथ रखें और 2 मिनट पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अपनी पत्नी के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना के समय हम गीत गाएंगे, आप लोग भी गीत गा सकते हैं, नहीं तो अपने ही स्वर में, अपनी ही भाषा में प्रभु को प्रशंसा दें, धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, हे पवित्र आत्मा आ जा, भर जा मेरे पत्नी में, हे पवित्र आत्मा आओ और भर जाओ, हे ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करो। अपने ही स्वर में, अपने ही भाषा में आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। सारे भाई अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें और बाकी परिवारजन साथ में गीत गाते हुए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें।
तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर तेरे लिए घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे पवित्र आत्मा की स्तुति को पवित्र आत्मा को धन्यवाद हे पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं और हम तेरी स्तुति करते हैं हालेलुया 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 और तू हमारे स्तुतियों में विराजमान हो हालेलुया 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 चंद्रिया शनियारा बारला मारिया अब मैं अपनी बहनों से निवेदन करता हूँ कि वे खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपने पति के सर पर रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वे आज आपके पति को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें पवित्र आत्मा के आशीष से भर दें उस पवित्र आत्मा से जो एक सहायक के रूप में हमारे साथ सदैव रहेगा अपने ही स्वर में अपनी भाषा में प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की प्रशंसा करते हुए पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को आपके पति पर बरसाने के लिए प्रार्थना करें बाकी परिवार इस गीत के साथ
पवित्र आत्मा की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चों के सर पर हाथ रखें और अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सब एकजुट होकर एक परिवार समान हम सब के बच्चों के लिए, उनको पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शांति से, पवित्र आत्मा के प्रेम से, हर्षोल्लास से भरने के लिए प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथ अपने बच्चों के सर पर रखें और एक एक कर
उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को ईश्वर हमारे सारे बच्चों के ऊपर बरसा दे। हम तुझसे पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरा दिल तेरे प्रेम से जल रहा है, प्यासे हिरन समान। हम तुझसे तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम विश्वास के साथ आवाज उठाकर प्रभु की प्रशंसा करते हुए अपने ही स्वर में, अपनी भाषा में प्रभु से उसकी पवित्र आत्मा की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हे यीशु, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा मुक्ति दाता और मेरा शांति दाता प्रभु, तू मेरा शक्ति दाता प्रभु है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, 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 जैसे पेंतेकोस्त के दिन, हालेलुया यीशु, हालेलुया, जैसे पेंतेकोस्त के दिन, हालेलुया यीशु, हालेलुया, एक आग समान सारे शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा बरसा था।
आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को हम पर बरसाएं। हे प्रभु, उस आग समान आ जा, हमारे दिल में बस जा। हे प्रभु, हम इस क्षण विशेष रूप से तेरे पवित्र आत्मा की आशीष और वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु, अपने पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आओ प्रभु, आओ पावन आत्मा, आइए कुछ क्षण शांत होकर अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आवाज, उस पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आशीष के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने आज हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और ये जो शांति हमें पवित्र आत्मा द्वारा मिली है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, इस क्षण हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं अपने पूरे परिवार के लिए। और हमें अपनी पवित्र आत्मा की आशीष से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना साथ में दोहराए जो हमारे प्रभु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। केल्विन, पेंटेकोस्ट के रात्रि जागरण के स्तुति आराधना में हमें नेतृत्व करने के लिए लीजो और जीना को धन्यवाद। भाइयों और बहनों, हमें यकीन है कि
कि आपने आत्मा की उपस्थिति महसूस की होगी। आप में से कुछ लोगों ने प्रभु को आपसे बोलते हुए सुना होगा। आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा का उपहार मिला होगा या आप में से इस दौरान शांति और आराम महसूस किया होगा। आज शाम के अपने अनुभव के बारे में नीचे की टिप्पणी में पवित्र आत्मा ने आपको और आपके परिवार को कैसे छुआ है उसके बारे में बांटिए। आज रात हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद। इस पेंटेकोस्ट रात्रि जागरण के दौरान पूरा राष्ट्र एक साथ एकजुट होना हमारे लिए खुशी का अनुभव रहा है। हम आपको और अधिक देखना पसंद करेंगे, तो MFC इंडिया का इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने के लिए भूलिएगा मत। सुरक्षित रहिए और पर्व दिवस की शुभकामनाएं। जय यीशु।